वेलकम टू रानीज गुड फूड। आज हम चिकन बिरयानी बनाएंगे। चिकन 2 किलो है। आज मेरे बड़े भाई के स्टाइल में हम लोग चिकन बिरयानी बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। चिकन को मैंने 1 घंटे पहले धोकर साफ करके छन्नी में रखा था ताकि उसका पानी ज्यादा का निकल जाए। ये बड़े साइज के 2 नींबू का जूस है। 400 ग्राम दही है। दही को फेटा नहीं है, ऐसे ही लगा रहे हैं। थोड़ा सा 50 ग्राम तक बाकी रखेंगे। 1 से 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। चार चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये सादी वाली लाल मिर्च पाउडर है। ये जाड़े वाला नमक है, भरकर 3 चम्मच डालेंगे। ये होममेड गरम मसाला है, भरकर 2 चम्मच डालेंगे। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है, आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। चिकन मसाला जो रेडीमेड बाजार में मिलता है, 1 भरकर चम्मच डालेंगे। मेरे भाई को अंदाजा है, काफी टाइम से पका रहे हैं इसलिए वो चम्मच का नाप नहीं कर रहे हैं। कसूरी मेथी 2 भरकर चम्मच अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैरिनेट होने के लिए लगभग 2 घंटे तक फ्रीजर में भी रख सकते हैं, अगर रूम टेम्परेचर कम है तो बाहर भी रख सकते हैं। अभी वैसे ठंडी के दिन है तो बाहर ही रखेंगे। मसाला पूरी तरह से मिक्स हो गया है। भाई को लग रहा है कि दही थोड़ा सा कम है, तो जो हमने बाकी रखा था वो दही पूरा डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चार करन फूल पीस कर डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे ढक देंगे, 2 घंटे तक मैरिनेट होने देंगे। प्याज को फ्राई करेंगे। लगभग 1.5 किलो उतना तेल गरम रखा है और प्याज भी 1.5 किलो उतनी ही है। देखिए, आप देख सकते हैं लच्छेदार बारीक कट कर ली है। चलिए फ्राई करते हैं। तेल को काफी देर तक गरम रखा था। इसे बिरिस्ता भी बोलते हैं। पूरी तरह से गोल्डन कर लेंगे। आप देख सकते हैं प्याज पिंक पिंक है, इसे और थोड़ा डार्क कलर आना चाहिए, लेकिन भाई अभी इसी वक्त निकाल लेंगे। प्याज निकालने के बाद भी पकती रहेगी और कलर चेंज हो जाएगा। भाई ने 2 हिस्से में प्याज फ्राई की है, ये पहला हिस्सा है। अब उसी पर दूसरा हिस्सा डाल देंगे। चिकन को तड़का लगाएंगे। तेल लिया है 1 कप से 1 कप भरकर। गैस का फ्लेम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। मीडियम साइज की 4 प्याज बारीक पीस कर डाला है तेल में। अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट फ्राई करने के बाद प्याज के पेस्ट का रंग देख सकते हैं आप, चेंज हो गया है।
अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे। आप देख सकते हैं भाई काफी बड़े साइज में डाल रहे हैं, चम्मच छोटा है लेकिन क्वांटिटी ज्यादा है अदरक लहसुन पेस्ट की। मेरे हिसाब से भाई ने ये कप से एक कप अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अदरक लहसुन पेस्ट को भी अच्छे से फ्राई करेंगे। दो मिनट फ्राई करने के बाद देखिए तेल साइड से छूट गया है। 8 से 10 बे लीफ डालेंगे, तेज पत्ता, 5 मीडियम साइज के टमाटर को बारीक पीस लिया है वो डालेंगे, 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं टमाटर प्यूरी भी अच्छे से फ्राई हो गई है, तेल बाहर निकल आया है। अब गैस का फ्लेम थोड़ा सा कम कर लेंगे। अब इसमें हमने जो चिकन को मसाला लगा के रखा था वो डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। जो हमने चिकन मैरिनेट किया था वही बर्तन को धोकर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। वैसे मैं छोटी मोटी भाई की मदद कर रही हूँ। इसको 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे, बस 50% ही पकाएंगे चिकन को, पूरा नहीं पकाएंगे। ढक्कन लगा देंगे, गैस का फ्लेम हाई रहते हैं। गैस का फ्लेम कम कर लेंगे, नमक टेस्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं ग्रेवी थोड़ी सी थिक है, थोड़ी पतली पतली है। भाई का कहना है कि इसमें चावल अच्छे से दम होकर आएंगे। इसे ढक देते हैं दोबारा से, गैस बंद कर लेंगे और इसे साइड कर लेंगे। चावल को उबालेंगे। चावल को उबालने के लिए पहले से पानी गर्म रखा है। 3 केजी चावल है, उसके लिए आप देख सकते हैं 10 लीटर तक पानी रखा है। नमक डालेंगे, 50 ग्राम तक नमक है, 1 टीस्पून उतने लवंग डालेंगे, 8 से 10 इलायची है वो डालेंगे, 5 दालचीनी को आप देख सकते हैं, वैसे ग्राम में देखें तो ये 5 ग्राम दालचीनी है वो डालेंगे। इसे ढक देंगे ताकि पानी में बहुत ज्यादा उबाल आए। ओपन कर लेंगे, काफी गर्म है। आप देख सकते हैं पानी में उबाल आ रहा है, चावल डालेंगे। ये बासमती लंबे चावल है, इसे धोकर 2 घंटे पहले पानी में भिगोया है। ये 3 किलो बिरयानी की रेसिपी है। चावल पूरे डाल लिए हैं, मिक्स कर लेंगे, पानी का नमक टेस्ट कर लेंगे। भाई को लग रहा है नमक कम है, और 50 ग्राम उतना नमक ऐड करेंगे। थोड़ा पानी साल्टी साल्टी होना चाहिए। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, मैंने इससे पहले भी बहुत सारे चावल बॉईल करने की रेसिपीज डाली हूँ। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चावल उबालने का तरीका भाई का अलग है, भाई इसे ढककर उबालेंगे। भाई का कहना है ढकने से चावल में जल्दी उबाल आता है, वैसे भी चावल काफी ज्यादा है। ओपन करते हैं, देखिए चावल में कितना उबाल आ रहा है। ये 60% बॉईल हुए हैं, भाई के हिसाब से और थोड़ा बॉईल होना चाहिए। 1 मिनट तक खुला ही उबालेंगे इसको।
आप देख सकते हैं चावल पूरे ऊपर आ रहे हैं। चलिए गैस बंद कर लेते हैं और इसका पानी निकाल लेते हैं। ये कप से 3 कप तेल है, जो हमने प्याज फ्राई किया था वही तेल लिया है, और 100 ग्राम तक घी है और 100 ग्राम डालडा है। तीनों को मिलाकर गरम रखा है। ये ग्रीन कलर है, इसे दूध में मिक्स किया है थोड़ा सा। तवे पर चावल को दम छोड़ेंगे। ये एल्युमिनियम का तवा है, जाड़े वाला तवा है। गैस का फ्लेम हाई है, तवे को गरम रखा है। अब इस पर बर्तन रखेंगे। जो हमने चावल उबाले थे वही बर्तन रखा है दोबारा से। जो हमने डालडा घी मिक्स किया था उसमें का थोड़ा सा तेल डालेंगे बर्तन के तले में। जो चिकन को हमने 50% पकाया था वो चिकन डालेंगे। जो हमने प्याज फ्राई की थी वो डालेंगे थोड़ी सी। थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना डालेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। आप देख सकते हैं भाई हाथ में अपने कितना पकड़ रहे हैं, एक मुट्ठी उतना। वैसे ये 3 किलो बिरयानी की रेसिपी है, चिकन 2 किलो है। चिकन हल्का पक रहा है, चावल डालेंगे। ये लंबे चावल है, बासमती चावल है। भाई इस तरह से इसलिए कर रहे हैं ताकि जो नीचे चिकन पक रहा है उसकी भाप ऊपर आए। थोड़ा सा ग्रीन कलर डालेंगे, ऑरेंज कलर सूखा ही डाल रहे हैं, केसरी कलर है। वैसे दिखने में तिरंगा दिख रहा है ना, ग्रीन व्हाइट ऑरेंज। अब पूरे चावल डाल देंगे जो बाकी है। चावल को प्लेन कर लेंगे, गैस का फ्लेम कम किया है। बाकी जो था ग्रीन कलर वो डालेंगे। केसरी कलर भी डालेंगे। जो हमने घी डालडा तेल गरम किया था, देखिए भाई किस तरह से डाल रहे हैं ताकि सभी चावलों पर तेल अच्छे से जाए। ये तो नई टिप लग रही है मुझे। चलिए पूरा तेल डाल लेते हैं। अब बिरयानी को गार्निश कर लेते हैं। जो प्याज हमने फ्राई की थी वो पूरी डालेंगे। अब कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे काफी सारा। कटा हुआ पुदीना डालेंगे। देखिए दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसे ढक देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम है और बर्तन के नीचे जाड़े वाला तवा है। 15 मिनट तक दम छोड़ेंगे। 15 मिनट हो गए हैं, गैस बंद कर लिया है, ओपन कर लेते हैं। चलिए गर्मा गर्म परोसते हैं। चिकन नीचे है, चावल ऊपर है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। आप देख सकते हैं चावल कितने खिले खिले हुए हैं। और कितने कलरफुल भी दिख रहे हैं। चलिए मैं अच्छे से प्लेटिंग करती हूँ।